अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आईएनडी टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 34वीं बरसी के मौके पर कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों ने उन्हें जबरदस्त खिराज खिदमत पेश किया और कौम के लिए उनकी खिदमात को याद किया। नेकलेस रोड पर इंदिरा गांधी के मुजस्मे की गुलपोशी भी की गई। इस मौके पर साबिक अपोजिशन लीडर के जाना रेड्डी, साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मैया, सदर ग्रेटर हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव और दूसरे भी मौजूद थे। जाना रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी मुल्क की मकबूल तरीन वज़ीर आज़म थी और उन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। याद रहे कि इंदिरा गांधी का 31 अक्टूबर 1984 को कत्ल कर दिया गया था। मुल्क के पहले वजीर दाखिला और कांग्रेस के सीनियर लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बीजेपी ने अगवा कर लिया। आज उनकी यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी ने उनके मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत पेश किए और कहा कि पटेल ने रियासतों के इंतजाम के जरिए मुल्क को मुत्तहिद किया। उनको खराज अकीदत पेश करने वालों में सदर बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक फ्लोर लीडर बीजेपी जी किशन रेड्डी, साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेया, रामचंद्र रेड्डी साबिक रुकन असेंबली और दूसरे शामिल थे। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि सरदार पटेल हिंदुस्तान के मर्द आहन थे जिन्होंने हैदराबाद के निजाम से लोहा लिया और ऑपरेशन पोलो के जरिए सातवें निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने सदर वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी पर हमले की तहकीकात में तेजी पैदा कर दी है। पुलिस की एक खसूसी टीम मशरकी गोदावरी के उस मौजे का दौरा कर रही है जहां से हमलावर श्रीनिवास राव का ताल्लुक है। पुलिस उसके रिश्तेदारों के अलावा दोस्त अहबाब से भी पूछताछ कर रही है ताकि उसके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में मालूम हासिल की जा सके। पुलिस हनुज ये पता नहीं चला सकी कि खुद को जगन का हामी बताने वाला श्रीनिवास ने आखिर जगन पर क्यों हमला किया। सस्ती मकबूलियत के लिए भी ये हमला करवाया जा सकता है। पुलिस इस जाबिये से भी जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश के मुकम टूरिज्म ने कृष्णा नदी में मोटर बोट के मुकाबले मुनद किए जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लोग शिरकत कर रहे हैं। कृष्णा नदी में जारी इन मुकाबलों में कश्ती रानी के दिलचस्प और हैरतकुन मजारे भी देखने को मिल रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर जी वेंकट स्वामी के फर्जंद और साबिक रियासती वजीर जी विनोद कांग्रेस आई में शामिल होने वाले हैं। बताया जाता है कि वन खरीब सदर कांग्रेस आई राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। आदिलाबाद के चुन्नूर हल्के से दो मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब होने वाले विनोद टीआरएस के मौलाना उम्मीदवारों के नामों में शमूलियत पर अपना नाम न पाने पर टीआरएस से नाराज हैं। फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी की कामयाब मुहिम के बाद अब जीएसएमसी की इन्फोर्समेंट विंग ने सरकारी अराजियत और पार्क पर कब्जों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। चुनाचे आज बंजारा हिल्स और जोबल हिल्स के इलाके में हुकूमत की खुली अराजियात और पार्क पर कब्जों को बर्खास्त किया गया। इन्फोर्समेंट विंग के डायरेक्टर आईपीएस अहदेदार विश्वजीत ने बताया कि दोनों शहरों में 150 करोड़ रुपए मालियती सरकारी अराजियात और पार्क पर कब्जों की इतलात है। लैंड ग्रैबर्स ने बाज मकामात पर झोपड़ियां तक डाल दी हैं ताकि अपने कब्जे को तोल दिया जा सके। सदर तेलंगाना प्रजा समिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि महाकूटमी का मकसद आने वाले असेंबली इंतखाबात में टीआरएस को इख्तदार से बेदखल करना है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस मकसद के उसूल के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये बात अहम नहीं है कि टीजीएस को कितनी निशिस्तें मिल रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि महाकूटमी को किस तरह टीआरएस को शिकस्त देने के काबिल बनाना है। उन्होंने महाकूटमी में शामिल जमातों में इख्तलाफात की तरदीद भी कर दी। सिविल सप्लाईज की विजिलेंस टीम ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाके सुबानपुरा मोहल्ले में एक मकान पर छापा मारा जहां राशन कार्ड रखने वालों को तकसीम किए जाने वाले चावल का बड़ा जखीरा छुपा कर रखा गया था। समझा जाता है कि 15-20 क्विंटल चावल खांगी राइस मिलरों को फरोख्त के लिए ले जाने वाला ही था कि टीम पहुंच गई। डिप्टी तहसीलदार आर टी नायक अशफाकुल्ला के सदानंद की निगरानी में इंस्पेक्टरों जब्बार और नसीरुद्दीन की मदद से चावल के जखीरे की जब्ती अमल में आई और आगे की तहकीकात जारी है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि गरीबों को राशन कार्ड पर सस्ते दामों पर सरबराह किया जाने वाला चावल मुस्तहिक अफराद को मिलता ही नहीं। राशन की दुकानों के मालिकीन चावल के व्यापारियों से साजबाज करते हुए उसे राइस मिलर्स को फरोख्त कर देते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल, नहायत वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक के बाद दिगरे हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों में बेजा मदाखलत करते हुए उन्हें तबाह कर रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के मुस्तफी हो जाने की इत्तला पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि अलमिया ये है कि हमारे वजीर आजम न तो माहरीन माशियात की बातों को सुनते हैं और न ही कानून के माहरीन के मशवरों पर ध्यान देते हैं, बल्कि वो खुद को सब शोबों का माहिर समझते हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर ने मुल्क की मैशियत को बेहतर बनाने हुकूमत को कुछ मशवरे दिए, लेकिन वजीर आजम उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रवैये से नज्म और नस्क का सारा निजाम ठप होकर रह जाएगा। मजलिसी उम्मीदवार हल्के याकूतपुरा अहमद पाशा खादरी ने बल्दी डिवीजन संतोष नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और आवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। याकूतपुरा हल्के के तमाम कारपोरेटर्स और मजलिसी कारकुनों के अलावा यूथ लीडर यासर अरफात भी उनके हमराह थे। असम्बली हल्के बहादुरपुरे के मजलिसी उम्मीदवार मौजम खान ने आज बल्दी डिवीजन रमनसपुरे के तहत मुख्तलिफ मोहल्लों का दौरा किया और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद शामिल थी। मौजम खान की जगह जगह बकसद गुपोशी भी की गई। रियासत में आने वाले असेंबली इंतखाबात में सियासी जमातों की इताहत के मसले पर एक तरफ मुस्लिम यूनाइटेड फोरम और जमात इस्लामी में इख्तलाफ उभर कर आ गए हैं तो दूसरी तरफ कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड भी, जिसका क्याम खालिसतन मजहबी मकासिद के तहत अमल में लाए जाने का दावा किया गया है, मैदान में कूद पड़ी है। बोर्ड के सदर मौलाना हामिश उत्तारी ने कहा कि बोर्ड सिर्फ उस सियासी जमात की तायद करेगा जो उनके मुतालबात को कबूल करे। इन मुतालबात में सुदीर कमेटी की सिफारिशात पर अमल आवरी, अखिलियतों के लिए अलहदा सब प्लान, वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार देना शामिल है। सुन्नी उलमा बोर्ड से अब तक किसी भी सियासी जमात ने राब्ता कायम नहीं किया, मगर ऐसा लगता है कि बोर्ड खुद अपनी तरफ से रियासत की तमाम सियासी जमातों से रब पैदा करते हुए अपने मंशूर मुतालबात पेश करेगा। साबिक रुकन अखिलियती कमीशन मौलाना तारिक खादरी भी उनके हमराह थे। दोनों शहरों में टीआरएस की इंतखाबी मुहिम के चलते गोशा महल के पार्टी उम्मीदवार ए महेंद्र कुमार ने अपने हलके के कई महलों में पैदल दौरा किया और कार में भी गश्त की। इस मुहिम में पार्टी के सैकड़ों कारकुन भी जुड़ गए जो कि टीआरएस और महेंद्र कुमार की ताईद में नारे लगा रहे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए महेंद्र कुमार ने कहा कि गोशा महल से इस मरतबा टीआरएस की कामयाबी यकीनी है क्योंकि पूरी रियासत में टीआरएस की लहर चल रही है। रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस ने दौलत की रेल पेल की रोकथाम के मकसद से शहर भर में तलाशी की मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। चुनाचे पुलिस हफाबाद ने अपने हदूद के कई शहरों पर गाड़ियों की तलाशी ली जिनमें बशीरबाग चौराहा भी शामिल है। साबिक वजीर आजम आनजानी इंदिरा गांधी की 34वीं बरसी के मौके पर कांग्रेस की महाजी तंजीम नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने निजाम कॉलेज में खून की अतिया का कैंप मुनक्द किया। साबिक वजीर मुकेश गौड़ ने इसका अफ्तताह किया। NSUI के 50 कारकुनों के बशमूल सैकड़ों तुलबा ने रजाकारान तौर पर अपने खून का अतिया दिया। नामपल्ली के कांग्रेसी उम्मीदवार फिरोज खान उमरा व ज़ियारत मुकद्दसा की अदायगी से अपनी वापसी के फौरी बाद आज दरगाह हजरत अहमद पा फसलासर में नमाज मगरिब अदा की
और फिर चादर के गुल चढ़ाने के बाद अपनी इंतखाबी मुहिम का हमला आगाज कर दिया। उनके हमरा कांग्रेसी कारकुनों और उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद थी। कांग्रेस के उम्मीदवारों की फेरिस्त का बाकायदा तौर पर दहली से कल या परसों ऐलान किया जाएगा। राम मंदिर की तामीर से मुतालिक सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान जी कृष्णा सागर राव ने सवाल किया कि आया राम मंदिर की तामीर से मुतालिक आर्डिनेंस लाने की सूरत में वो बीजेपी की तायीद करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कृष्णा सागर ने कहा कि ओवैसी उठे बैठे चैलेंज कर रहे हैं, अगर बीजेपी उनको कबूल कर ले तो उन्हें अपनी पार्टी को बीजेपी में जम करना होगा। कृष्णा सागर राव ने टीआरएस और कांग्रेस पर भी जमकर तनकीद की और कहा कि वो इल्जाम तराशियों के जरिए इंतखाबी माहौल को पोल्यूटेड कर रहे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक रुकन असेंबली एम शशिधर रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि वो रियासत में जाब्ते अखलाक को सख्ती के साथ नाफिज करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस के बारे में कई इत्तलात मिल रही है कि वो कई जगह इलेक्शन की गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर रही है। शशिधर रेड्डी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से मुतालबा किया कि वो तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों का एक इजलास तलब करते हुए साफ तौर पर बताएं कि इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी जमातों को क्या करने की इजाजत है और उन्हें किन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी विनोद ने आज रियासत के इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से मुलाकात की और इंतखाबी जाब्ते अखलाक के तहत बास वजाहतें तलब की, जिनमें उनका यह सवाल था कि आया चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में इजाफे के लिए भी इकदाम करने की ख्वाहिश की। रजत कुमार ने बताया कि उनके तमाम सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दस्तियाब है और मजीद दस्तावेज़ात के लिए वो उनसे किसी भी वक्त रब पैदा कर सकते हैं। बी विनोद इंतखाबी जाब्ते अखलाक की निफाज के सिलसिले में डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी की सख्त रवैये पर नाराज भी नजर आते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस पार्टी उनके खिलाफ मनमानी इल्जाम आयद कर रही है और चाहती है कि उन्हें किसी भी तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाहल करार दिया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को सबूत के साथ बता सकते हैं कि किस तरह टीआरएस अपने अखबार नमस्ते तेलंगाना और टीवी चैनलों को उन्हें बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने टीआरएस की हरकतों पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खासदार नारायण रेड्डी ने कहा कि बीजेपी अपने सियासी मफादात के लिए मुल्क के मुजाहिद आजादी और कांग्रेसी कायद साबिक वजीर दाखला सरदार पटेल को इस्तेमाल कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 70 साल से बीजेपी को सरदार पटेल की कभी याद नहीं आई और जब से नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने हैं सरदार पटेल अब बीजेपी को अजीज हो गए हैं। नारायण रेड्डी ने कहा कि मुल्क के पहले वजीर दाखला सरदार पटेल अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक कांग्रेसी ही रहे हैं। कुतुबुल्लापुर के तालाब में एक शख्स की नाश तीरती भी पाई गई। मुकामी लोगों की इत्तला पर डिंडीगल पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश को निकाला। मुतफी की शिनाख्त टी श्रीनिवास की एसएस से की गई, जो आरके ट्रांसपोर्ट नामी कंपनी में काम करता था और वो दो दिन से काम को भी नहीं आ रहा था। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। साबिक मुशीर यूनानी हुकूमत आंध्र प्रदेश डॉक्टर सैयद गौसुद्दीन का कल रात इंतकाल हो गया। वो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के सदर और मुख्तलिफ अदबी व समाजी तंजीमों से वापिस आते। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद सईफा आजमपुरे में अदा की गई और करीबी कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई। नमाज जनाजे और तदफीन में हुक्मा समाजी कायदीन मुख्तलिफ सईफा निगारों और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद शरीक थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। अपनी जबरदस्त तकरीरों में माहिर और ऐन इंतखाबात से कबल मुल्क में चमत्कार लाने के लिए पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे बड़ा बनाया गया स्टैचू आवाम के नाम मानोन कर दिया है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया
और पिछले 3-4 सालों से मुल्क के मुकद्दर बन जाने वाले माहौल में अमन और भाईचारे को फरोग देने का इन्होंने इस मौके पर आह्वान भी किया। मुल्क की तारीखी कांग्रेस पार्टी की साबिका वज़ीरे आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी की आज बरसी मनाई गई। सदर जमहूरिया नायब सदर जमहूरिया ने खिराज अकीदत पेश करके अपना हक अदा किया। साथ ही इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी खिराज अकीदत पेश की, जबकि मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाई। दिल्ली के शक्ति स्थल पर कांग्रेस की सोनिया गांधी ने अपने फर्जंद राहुल गांधी और दीगर आला लीडर्स के साथ पहुंचकर मोहतरमा इंदिरा गांधी को खिराज अकीदत पेश की, जबकि खबर है कि पीएम मोदी ने भी आखिर में उन्हें खिराज अकीदत पेश कर दी। मुल्क के वजीर आजम, वजीर खारजा, सदर जमहूरिया के बाद अब नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू भी बैरूनी ममालिक के दौरों पर आ गए हैं। 3 अफ्रीकी ममालिक बोस्वाना, जिम्बाब्वे और तलावी के लिए वो रवाना हो गए हैं। बताया गया है कि भारत के साथ कई मुद्दों पर उन ममालिक से एमओयू किया जाएगा। वाज़ह है कि पिछले 4 सालों में भारत के लीडर्स का ये 26वां दौरा है। हमारे मुल्क की मुतनाज़िया बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा में 31 साल पुराने केस के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने अब पलटा कर दिया है। उस वक्त हलाक किए गए 42 आदमियों की मौत का जिम्मेदार महकमे पुलिस के 16 अहदेदारों को गर्दाना गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। सारी दुनिया के इजारादार मुल्क अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अब मुल्क में नए नए कवानीन ला रहे हैं। बताया गया है कि अब आगे से वहां पर बस जाने वाले गैर अमेरिकी लोगों के पैदा होने वाले बच्चों को वहां की शहरियत नहीं दी जाएगी। इसी दौरान अब वहां पर सदर के खिलाफ में एक नया महाज भी तैयार हो गया है और वस्त मुद्दती इंतखाबात के मुतालबे ने भी जोर पकड़ लिया है, क्योंकि अमेरिकी अवाम भारत के लोगों से कुछ ज्यादा ही होशियार होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।